पत्रकार मित्रों या उपस्थित सभी वरिष्ठ, आज छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देने जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है और एक वेबसाइट भूपेकरो.com लॉन्च कर रही है। ये वेबसाइट देश में चलने वाले प्रसिद्ध UPI ऐप्स फोन पे पेटीएम की तर्ज पर QR कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर खुलेगी। ये वेबसाइट में छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार जो 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं भूपे ऐप्स को लॉन्च करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह जी का मैं छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनके आगमन के लिए। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी ब्रजमोहन अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, सम्मानित सांसद सुनील जी, दीपक मस्के जी, अमित जी, रसिक परमार जी और सभी पत्रकार मित्रों, आज सबसे पहले इस ऐप को लॉन्च करने के पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ एशियन गेम्स में भारतीय युवकों को जीत के लिए सबसे पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनुराग सिंह जी को। एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, 81 मेडल कल के तारीख तक जीतकर भारत को गौरवान्वित करने का काम किया है, इसलिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और नेतृत्व करने वाले अनुराग सिंह जी को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ। सारे डिटेल विषय पे लंबी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको इस ऐप से पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वातावरण में परिवर्तन हुआ है और हमारे दो परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में 12 सितंबर से दंतेवाड़ा और 16 सितंबर से जसपुर में परिवर्तन यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ। 30 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस परिवर्तन महासंकल्प रैली का समापन के अवसर पर अपनी उपस्थिति देकर आशीर्वाद दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार छत्तीसगढ़ में प्रवास चल रहे हैं और मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि 5 साल और जिस मुद्दे और जिस नारे को लेकर हम जा रहे हैं, जिन बिंदु को लेकर इस चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जन घोषणा पत्र के खोखले वादे 36 वादे अधूरे हैं और उसके साथ ही व्यापक रूप से 5 साल में 36,000 करोड़ के घोटाले की लंबी सूची। शराब घोटाले के बारे में भी आपको जानकारी दी गई, 2,000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला, 600 करोड़ से ज्यादा का PDS का घोटाला, 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रधानमंत्री गरीब खाद्यान्न योजना का घोटाला, 1,300 करोड़ का गौठान का घोटाला, और तो और अब जब पैसे से पेट नहीं भरा भूपेश जी का, पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए भी पूरे प्रदेश में व्यापक असंतोष है और हाई कोर्ट ने 18 पदों को रोकने का आदेश भी जारी किया है। ये सरकार अब युवकों को महादेव ऐप के नाम से जुआ और सट्टा में लिप्त करके छत्तीसगढ़ के वातावरण को बिगाड़ने में लगी हुई है। इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है और यही नारे पूरे छत्तीसगढ़ के गांव गांव में लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश और कांग्रेस के लोग पहले नारे लगाते थे, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी, अब वही कांग्रेस के नारे नरवा गरवा घुरवा बारी बदल गया है, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार और लबारी, ये कांग्रेस के 4 नारे हो गए हैं। ये पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के मन में लबारी बोलने वाला यानी झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री जो रोज नित्य नई घोषणा करता है, आज इस अवसर पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी को आज जो यहाँ उपस्थित हैं उनको सीधे आमंत्रित करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और युवा
कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनको आमंत्रित करता हूं तालियों के साथ स्वागत के लिए। धन्यवाद। अभी मीडिया के मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक राज्य का रूप देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। एक सोच, एक सपना कि कैसा राज्य खड़ा करेंगे जहां जिन लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के समय इस क्षेत्र के साथ एक तरह से भेदभाव होता था, तो छत्तीसगढ़ को हम अग्रणी राज्य बनाएंगे। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी, उससे पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला, तब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने वो विकास किया कि एक के बाद नए आयाम स्थापित। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन जी, राजेश जी से लेकर अन्य उस समय के मंत्री भी यहां पर बैठे, जिनका बहुत बड़ा सबका योगदान था। लेकिन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो, तो समझ सकते हैं क्या हुआ। एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा किया था कि विदेशी धरती से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को बम धमाकों के बीच में से सुरक्षित निकाल कर लाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए ऑपरेशन गंगा चलाकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाकर लाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गंगा जल की सौगंध खाकर शराब की नदियां बहाने का काम करते, शराब घोटाले करते हैं। कितने का? अरे दिल्ली वालों ने 100-150 करोड़ का किया तो जेल में है, या तो 2,000 करोड़ से का ज्यादा। इनका स्थान भी कहां होगा ये सबको पता है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें जरूर करूंगा, क्योंकि युवा साथियों के बीच में पिछला कार्यक्रम करके आया, रोजगार तो दिया नहीं बेरोजगार बनाया, फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र के, एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो दर्द होता है, यहां 39,000 बच्चों की मृत्यु हो गई। भूपे करो और मस्त रहो। हजारों कर्मियों को, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे हमारे विद्या मितान हो, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी, सबको सड़कों पे आने पड़ा, रुलाए। किसानों का 2 वर्ष का बकाया बोनस वो नहीं दिया, कहा था मंडी टैक्स हटाएंगे लेकिन दुगना कर दिया। अब इन सब बातों में जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, 36 किए पूरे नहीं किए, इनके वायदे किए लेकिन पूरे नहीं किए। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ यूनिट को, जिन्होंने आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश और देश की जनता को जागरूक करने का एक नया कदम उठाया है और नाम भी बड़ा शानदार दिया है, भूपे। क्या नाम दिया है भाई? आवाज आई नहीं, क्या नाम दिया है? छत्तीसगढ़ वालों को तो आदत पड़ गई है, भ्रष्टाचार करो और क्या करो, चावल घोटाला करो और क्या करो, शराब घोटाला करो फिर क्या करो, गोबर घोटाला करो फिर क्या करो, गोठान घोटाला करो फिर,
कोयला परिवहन घोटाला फिर भूपे, कोरोना घोटाला फिर भूपे, पीएम गरीब अन्न कल्याण घोटाला फिर भूपे, सट्टा स्कैम फिर भूपे, चावल घोटाला फिर भूपे, यूरिया घोटाला फिर भूपे, पीएससी घोटाला फिर भूपे, डीएमएफ घोटाला फिर भूपे, अब घोटाले पे घोटाला करो फिर भूपे। ये तो ऐसा हाल हो गया है कि सब कुछ लूट लिया, सौम्या चौरसिया जी का नाम इस एक वीडियो में दिखाया गया। हमें वहां के अधिकारी पूछ रहे थे कि इसलिए क्यों वापस राज्य में छत्तीसगढ़ अधिकारी वापस जाने की कोई चर्चा करते हैं। कलेक्टर का काम कुछ और होता है, इन्होंने कलेक्शन पे लगा दिया था, कुछ कलेक्टर वसूली पे लगा दिया। ये पहली सरकार जब से छत्तीसगढ़ बना तब से ऐसी सरकार है कि जिसका पूरे देश में घोटालों के लिए जाना जाता है, नए नए तरीके निकाले गए, दो नंबर में शराब कैसे बेची जाती है और पैसा किसके खाते में जाता है, ट्रकों पर उग्राही कोयला लाने ले जाने में कैसे ली जाती है छत्तीसगढ़ में सीखा जाता है, नए नए तरीके निकालकर भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित करना और फिर भूपे करो, सब कुछ करो, पैसा खाओ, मस्त रहो, फिर भूपे करो। मेरा सवाल यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि 36 प्रमुख वायदे, जनता आपसे उसके सवाल पूछती है, आप उस पर क्या करने वाले हो, क्योंकि वायदे तो आपने पूरे किए नहीं, 30 महीने हो गए, लेकिन बदले में माफिया राज छत्तीसगढ़ में जाना जाता है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कौन सा माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, कोल माफिया, माफिया पे माफिया, ये माफियों का राज, इससे छत्तीसगढ़ माफी चाहता है। और आज जब मैं युवाओं के कार्यक्रम में था, मैंने उनमें जो आक्रोश देखा है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा लगता था युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब समय आएगा, उनको मतदान करने का अवसर मिलेगा और जो 2500 रुपया प्रति महीना उनको बेरोजगारी भत्ता मिलने था नहीं दिया, वो ब्याज समेत उसकी वसूली करने वाले हैं। अब तक तो वसूली अपने अधिकारियों के थ्रू, कांग्रेस के नेताओं के थ्रू कर रहे थे, अब चुनाव के समय वसूली देश प्रदेश का युवा करेगा, प्रदेश की महिलाएं करेंगी, प्रदेश का किसान करेगा। किसानों के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर एमएसपी का दाम कोई तय करता है तो केंद्र की सरकार करती है, खरीद करने में भी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने खर्च किया, रिकॉर्ड खरीदारी की, एमएसपी के दाम पे 70% 80% तक बढ़ाए, लेकिन यहाँ पर तो जो राज्य का हिस्सा देने का था उस पर भी मुकरती हुई राज्य की सरकार नजर आती है। मेरा निवेदन आप सबसे है कि इन सब सवालों के जवाब हमें उनसे लेने ही हैं, और मेरा सारे युवा साथियों से यहाँ पर एक निवेदन रहेगा, ये जो भूपे का लिंक है ना, मैं तो सबसे पहला काम यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है, कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, और वो सरकार जिसके मुखिया कौन, भूपे, मुखिया कौन, भूपे। एक मैंने दिल्ली में कहा था, जब मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, तब मैंने कहा था पैसा खाने वाले मुनीश से सुनिया, वैसे ही आज छत्तीसगढ़ के
भूपे। श आप खुद ही लगा लेना भाई, शर्म तो छोड़ दी शराब घोटाले के चक्कर में। और यही नहीं, ये जो कमाया जाता है उसके चलते गुलाब की पंखुड़ियां बजाई जाती है उस भ्रष्टाचार के पैसे से किसी के आगमन पर, और इस भ्रष्टाचार के पैसे से गुलाब की पंखुड़ियां किसके लिए बिछाई गई थी? शायद जो पैसा सरकारी खजाने में आता तो गरीब कल्याण के लिए लगता, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए लगता, किसानों के बोनस के बकाए पैसे के भुगतान के लिए लगता। शायद वो पैसा जो कोयले घोटाले में, शराब घोटाले में, कांग्रेसियों की जेबों में, अधिकारियों की जेबों में, कर्मचारियों की जेबों में गया, अगर वो सरकारी खजाने में आता तो बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई उनके इलाज के लिए लग पाता, डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए लग पाता, जो कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन करने के लिए निकले उनको पक्की नौकरी मिलने के लिए लग पाता। लेकिन भूपे करो और भ्रष्टाचार करो, खा पी के मस्त रहे कांग्रेसी लोग। लेकिन आज मैं देखता हूं जहां मीडिया के पन्नों में भी पहले जगह नहीं मिलती थी, आज मेरे मीडिया के मित्रों ने भी चैनल से लेकर अखबारों तक एक बार कांग्रेस के भ्रष्टाचार को और भूपे को दिखाने का काम किया है। सोशल मीडिया पर हमारे साथियों ने कांग्रेस के काले कारनामे को उजागर करने का काम किया है, उनका चेहरा बेनकाब किया है। सोशल मीडिया और मीडिया पर कांग्रेस की पोल खुल रही है, इस माफिया सरकार से मुक्ति पाने का एक संकल्प ले रहे हैं और समय का इंतजार करें कि कैसे चुनाव की घोषणा हो, कमल का बटन दबाने का अवसर मिले। एक और कमल का बटन दबेगा, दूसरी और भूपे से आपको मुक्ति मिलेगी, ईमानदार सरकार राज्य में आपको मिलेगी। मेरे मीडिया के मित्रों से मैं अनुरोध करता हूं, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इन सब नेताओं में से या मुझसे किससे पूछना हो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।